मित्रों हैं कि समय समय पर जो प्रबंधन है, इस प्रबंधन ने जब जब हमारे हितों के विरोध में इस से दरी बिछा करके इसका वक्ताओं ने कहा 14 जनवरी 2000 को इसका बाजारीकरण करने के लिए जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं, इन सेक्टर्स ने इस कार्य को अंजाम दिया और उस समय पूरे 14 दिन इसकी पूरे प्रदेश में स्ट्राइक हुई थी। और क्या नाम है आपका, ये बताइए किस चीज को लेकर आज आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है, लगभग कितने लोग आपके साथ में? देखिए आप जो कार्य बहिष्कार का कार्यक्रम है ये पूरे प्रदेश में चल रहा है और हम लोग मजबूर हैं। सरकार ने शीर्ष प्रबंधन में बैठे हुए जो लोग हैं उन लोगों ने ऐसी अव्यवस्था फैला रखी है, पब्लिक के बीच में अफरा तफरी मचा दिया है कि पब्लिक के बीच में ऐसा मैसेज जा रहा है कि बिजली विभाग के लोग काम नहीं कर रहे हैं और इसको बदनाम करके कॉरपोरेट सेक्टर में निजी हाथों में सौंपने की यह सोची समझी पूरी पूरी से रणनीति है। पिछली बार भी आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था प्राइवेटाइजेशन को लेकर, इस बार क्या क्या मांगे हैं आप? हम लोगों की मुख्य मांगे ये हैं कि जो यह बिजली सेक्टर है एक सरकारी सेक्टर है और यह जो सरकारी सेक्टर होता है वह लाभ के नियत से नहीं बनाया जाता, वह एक पब्लिक को सहूलियत देने की वजह से बनाया जाता है। तो हम पब्लिक को सहूलियत दे रहे हैं, हमको काम करने की पूरी आज़ादी दिया जाए और प्लस जो हम लोगों को मटेरियल चाहिए होगा, बिजली है, खंभे हैं, ये सारी चीज़ें हैं, वो सरकार हमको मुहैया कराए। सरकार प्रोवाइड नहीं करा रही, इसको लेकर आपने अधिकारियों से बात की? हाँ, लगातार बात किया है और बीसी पर डे होती है, उस बीसी के माध्यम से भी इनसे कहा जाता है लेकिन इस पर कहीं कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्या आप लोगों के द्वारा किसी को ज्ञापन दिया गया? हाँ, ज्ञापन शीर्ष प्रबंधन को दिया गया है, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन पे गया है और सोशल मीडिया के माध्यम से डेली उनके पास सारी चीजें पहुंच रही है। अगर आपकी मांगों को नहीं माना जाता है उसके बाद आप लोग क्या करेंगे? अगर हमारी मांगों को नहीं माना जाता है तो जो संविधान में व्यवस्थाएं दी गई हैं एक शांतिप्रिय ढंग से हम अपने आंदोलन को आगे कंटिन्यू रखेंगे और अपनी बात को सरकार तक पहुंचाएंगे, पब्लिक तक पहुंचाएंगे। कहां कहां ये प्रदर्शन किया जा रहा है? यह प्रदर्शन पूरे यूपी पावर कॉर्पोरेशन के अंडर में जितने भी 75 जिले हैं वो सभी जगह पर हो रहे हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।